हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम ईएमआईआर भर्ती 2023 की करंट अफेयर एंड जीके की क्लास लेके आए हैं। यहाँ पे आज दोस्तों आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 कराने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ईएमआईआर एग्ज़ाम, चाहे आपका इसमें एग्ज़ाम आपका जेएसए हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, और आपका अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन, और चाहे हॉस्टल वार्डन, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके जितने भी ईएमआईआर भर्ती निकली हुई सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सब में आपका करंट अफेयर और जीके का रोल है, तो अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपनी तैयारी का लेवल आपकी क्या है और कितने क्वेश्चंस आप इस टेस्ट से इसके सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा टारगेट 50 डेज। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने आप जो एग्ज़ाम्स का टारगेट माना हुआ, आप लोगों के कंप्लीट प्रिपरेशन जो हम कराएंगे आपके 50 डेज के अंदर, यानी कि 15 डेज के अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी, यानी 50 दिनों में आपकी कंप्लीट तैयारी मैं यहाँ पे अपने चैनल पर ईएमआईआर भर्ती, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन पेपर हो, चाहे आपका जेएसए हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, टीजीटी, या कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपका ईएमआईआर रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम्स है सभी की कंप्लीट प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके मॉक टेस्ट का लेवल रहेगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, अब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं लास्ट में एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त होगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्वभर में ओलंपिक को मनाया जाता है, तो किस डेट में मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो डेट की दोस्तों बात करें कि ये आपका 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों, आपके केवीएस का पेपर देखा है आपने, एनबीएस का पेपर देखा होगा, यहाँ पे इसी तरीके के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग 2023 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों राज्य आपको यह पता है, तो राज्य की बात करें दोस्तों, ये आपकी मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग 2023 जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात, फोर्थ की बात कर लें तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईएमआईआर टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको यहाँ पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को 2-0 से हराया? तो किस देश को हराया है? तो दोस्तों ये आपके लेबनान को हराया। किसने? लेबनान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका एनबीएस का मैंने पेपर देखा है और केवीएस का पेपर देखा, वहाँ पे देखा मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी उठाए जाते हैं, तो आपका जो करंट अफेयर का लेवल रहने वाला बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन और बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको और से अच्छा कंटेंट कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी स्टॉक में कौन टॉप पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ग्लोबल लिविलिटी स्टॉक में कौन टॉप पर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉप की बात करें दोस्तों, ये आपका यहाँ पे वियान है। कौन सा है टॉप पे? वियान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे कि हाल ही में
उत्तर भारत में पहला स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ गया? दोस्तों पेपर में छपने वाला पेपर है, क्वेश्चन है ये कि स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो स्किन बैंक का उद्घाटन दोस्तों आपका शहर नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लागू किया। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये यूपी ने लागू किया है। किसने? यूपी ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे यहाँ पे कि भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड राउंड में व्यक्तिगत फाइनल में सबसे नीचे से पदक किसे जीता, किसने जीता है? तो फाइनल में नीचे से पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जो फाइनल में नीचे से पदक जीता है वो किसने जीता है आपको यहाँ पे बताना है। देखते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया जा चुका है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने पदक जीता है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। और चलो इसका ये मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पदक जीता है। तो पदक की बात करें दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है। अब ये आपको बताना है कि किसने जीता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ स्वर्ण पदक जीता गया है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है किसने जीता है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे इसका आंसर देंगे देखते हैं कि क्या उनकी तैयारी का लेवल है, करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हैं बच्चे कि नहीं है। हाल ही में किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक एट योग ऑफिसर चेयर शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपके भारत ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। किसने? भारत ने, यानी कि इंडिया ने शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की बात करेंगे, हाल ही में किस में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है? ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय योग जो ओलंपियाड का आयोजन है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में ही किया गया है आपका राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपका अभी SSC का एग्जाम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा 10 क्वेश्चंस रहे हैं, और 10 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आप एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।